अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 42 स्टार्ट हो रहा है। पिछले लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलियन के दरमियान डिफरेंस किया था और फिर वहीं से हमने एक इसका मेन पार्ट शुरू किया था, इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन, जिसमें हमने फाइनल अपना रिजल्ट यहाँ तक ड्राइव कर लिया था। V1 मैं बुक से देख के लिख देता हूँ, हमने जो रिजल्ट ड्राइव किया था वो था कुछ हमारे पास इस फॉर्म में, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस V1 प्राइम माइनस V2 प्राइम। यहाँ तक हमने इस रिजल्ट को मतलब उस टॉपिक को सॉल्व कर लिया था और मैंने कहा था कि वहां तक इस लॉन्ग का अलग से एक पार्ट बन सकता है। अब आगे हम लोगों ने मजीद इस टॉपिक को सॉल्व करना है। बेसिकली हमारे पास V1 और V2 वेलोसिटीज अगर नाउन हैं, तो मसला ये आता है कि टकराव के बाद जो बॉडी की वेलोसिटीज चेंज होनी है वो वेलोसिटीज कितनी चेंज होगी और उनकी वैल्यूज क्या बनेंगी। जाहिर सी बात है, अगर दो बॉडीज मूव करनी है तो इनिशियली उनकी कुछ एक वेलोसिटी नाउन होगी। जैसा कि हमने एग्जाम्पल ली थी कि एक बॉल हमारे पास M1 और एक हमारे पास M2, V1 velocity और V2 velocity से दोनों balls move कर गए। टकराने के बाद M1 की velocity होगी थी V1 और M2 की velocity होगी थी V2 prime, V1 prime and V2 prime। हमने बोल तो दिया कि V1 prime से टकराने के बाद velocity change हो जानी है, तो कितनी होगी उसको कैसे calculate कर सकते हैं। Second body की velocity change हो जाएगी V2 prime, कितनी होगी उसको कैसे calculate कर सकते हैं, वो basically हमारा आज का lecture है। तो बेसिकली हमने ये जो टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन हर एक बॉल की वेलोसिटी है उसको आज हमने कैलकुलेट करने, तो वो फॉर्मूले के फॉर्म में आएगा और उसको हम न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करते हुए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये इक्वेशन बनाई थी, M1 ब्रैकेट V1 माइनस V1 प्राइम ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू M2 ब्रैकेट स्टार्ट V2 प्राइम माइनस V2 ब्रैकेट क्लोज। और फिर उसके अंदर जब हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी तो उस इक्वेशन से ऊपर हमारे पास एक फॉर्म बनेगी, V1 प्लस V1 प्राइम इक्वल टू V2 प्राइम प्लस V2। बुक में ये इक्वेशन आपकी लिखी हुई है 3.16 के नाम से, 3.16 के नाम से, बट चूंकि मैं अपना टॉपिक लेके चल रहा हूं मैंने इसके अकॉर्डिंग नंबर नहीं दिया, मैंने 1, 2, 3 को यूज किया था, तो इसीलिए मैं आज इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहा हूं। बट अगर आप बुक से देखना चाहें तो आपको 3.16 यही इक्वेशन लिखी हुई नजर आएगी। अच्छा, अब करना क्या है, इन दो इक्वेशंस को यूज करना है और इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए V1 प्राइम और V2 प्राइम निकालना। मेथड क्या होगा, इक्वेशन 3 से एक बार आपने एक प्राइम की वैल्यू निकालनी है, एक बार दूसरी प्राइम की वैल्यू। मैंने क्या बोला वो मतलब है, देखिए V1 प्राइम भी मौजूद है और V2 प्राइम भी मौजूद है, एक बार मैं V2 प्राइम की वैल्यू लगाऊंगा और एक बार मैं V1 प्राइम की वैल्यू लगाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी जो मेरे पास टॉपिक है मतलब अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया उसके मुताबिक क्या है, V2 प्राइम की वैल्यू निकाली। तो देखिए जब V2 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो ये V2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, बनेगा क्या, V2 प्राइम इक्वल टू V1 प्लस V1 प्राइम और ये वाला माइनस V2। V2 की वैल्यू निकल आई, इस V2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में लगा ली, बट इक्वेशन 1 को जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन से पहले, तो मल्टीप्लाई कर दिया, M1 V1 माइनस M1 V1 प्राइम इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। ये हमारे पास सिंपलाइज्ड फॉर्म आ गई। अच्छा, क्या किया बेसिकली, इस V2 की वैल्यू ली और उसको लगा दिया यहाँ पे, ये V2 प्राइम मौजूद था, पहला पार्ट वैसे ही आ गया इक्वल टू M2, V2 प्राइम की जगह लिखा गया V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2, ब्रैकेट क्लोज होगी क्योंकि V2 प्राइम की जगह से ये वैल्यू लग गई, माइनस के बाद वैसी ही सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगेन लेफ्ट साइड वैसी ही रही, 1 बाय 1 M2 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया,
क्या वैल्यू बनेगी, एम टू वी वन प्लस एम टू वी वन प्राइम प्लस माइनस माइनस होते हैं हमें पता है एम टू वी टू और माइनस एम टू वी टू वैसे ही आ गया। अगले स्टेप के अंदर हमने क्या किया, अगेन लेफ्ट साइड को वैसे ही रहने दिया, राइट साइड में से हमने सॉरी वैसे ही नहीं रहने दिया बल्कि इसके अंदर हमने चेंजिंग की है, प्राइम वाली वैल्यू को उठा के राइट साइड पे ले गए। तो देखें एम वन वी वन वैसे ही रहा, एम वन वी वन प्राइम इधर माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और वहां से वी वन वाली वैल्यू लेफ्ट पे ले आए, एम टू वी वन उठा के लाए साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे लाए तो नेगेटिव हो जाए। अब हमारे पास क्या रहा, एम वन वी वन प्राइम जो कि यहां से उधर गया था, एम टू वी वन प्राइम ऑलरेडी मौजूद है। ये देखिए ये दो सेम वैल्यूज ऐड हो रही है, माइनस एम टू वी टू माइनस एम टू वी टू, तो माइनस कॉमन लिख के दोनों को ऐड कर दिया टू एम टू वी टू। अब हमने बेसिकली क्या करना है, मैंने कहा था कि हमने प्राइम वाली वैल्यूज निकालनी है मतलब आफ्टर कोलिजन की बात करनी है, तो इस पूरी इक्वेशन में प्राइम वाली वैल्यू मुझे एक ही नजर आ रही है मतलब वी वन प्राइम, तो उसको सेपरेट करेंगे बाकी सबको उठा के सेपरेट कर लेंगे। तो इसको हमने क्या करना है, राइट साइड पे रहने देने, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले गए, प्लस में यहां से हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है v1 दोनों में मौजूद है तो v1 हमने कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकाल के लिखा गया v1, पीछे क्या रहेगा m1 माइनस m2 प्लस ये जो माइनस था 2m2 v2 दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा 2m2 v2, और फिर आ जाते हैं यहां से v1 प्राइम देखें दोनों में मौजूद है तो जब v1 प्राइम कॉमन जाएगा तो पीछे क्या रहेगा m1 प्लस m2, हमें क्या निकालना है v1 प्राइम, तो v1 प्राइम को सेपरेट करने के लिए m1 प्लस m2 को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड करवा दे, तो m1 माइनस m2 v1 डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2 से प्लस वैसे ही आया 2m2 v2 डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2 से। ये चीज याद रखनी है कि चूंकि ये यहां पे प्लस हो रही है दो पार्ट्स तो m1 प्लस m2 दोनों को आगे डिवाइड करेगा तो v1 प्राइम का रिजल्ट आ गया। ये बेसिकली हमारे पास क्या है v1 प्राइम, ये फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज नॉन होनी चाहिए, फर्स्ट बॉडी का मास, सेकेंड बॉडी का मास, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन टकराने से पहले और v2 सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी टकराने से पहले, मतलब इस पूरी इक्वेशन में सिवाय v1 प्राइम आफ्टर कोलिजन वाला फैक्टर आ रहा है जबकि पूरी इक्वेशन में हमारे पास सारे जो फैक्टर्स हैं वो बिफोर कोलिजन के भी यूज हो सकते हैं बल्कि वही यूज हो रहे हैं। अब मैंने आपको v1 प्राइम तक तो सॉल्व करवा दिया और मैंने बता भी दिया v1 प्राइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। अब हम लोगों ने क्या निकाला है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन v2 प्राइम। तो जरा नोट करें v1 प्राइम निकालने के लिए मैंने क्या दिया था, v2 प्राइम की वैल्यू लगा दी थी, अब इसका उधर कर देना। अब मैं v2 प्राइम निकालना चाह रहा हूं, v2 प्राइम निकालना चाह रहा हूं तो v1 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे अगेन इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 से v1 प्राइम की वैल्यू निकाली, कैसे, v1 प्राइम इधर ही रखेंगे, v1 इधर से दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगी इक्वेशन, v1 प्राइम इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1। अब अगेन आगे सारा हमारे पास वही ऑर्डर वही चलेगा, v1 प्राइम निकाल लिया, अब इसको इक्वेशन 1 के अंदर लगा देंगे। लगाने से पहले अगेन हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद v1 प्राइम की जगह वैल्यू लगा दी जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई। अब इसको आगे आपने खुद सिंपलीफाई करना है और सिंपलीफाई करने के बाद आपका ये रिजल्ट आना चाहिए जो कि हमारे पास इक्वेशन है जो एक्सप्लेन करेगी सेकेंड बॉल की वेलोसिटी आगे टकराने के बाद कितनी होगी। तो रिजल्ट आपका आना चाहिए m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट v2 प्लस 2m1 ओवर m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट v1। तो ये इक्वेशन आपके पास आनी चाहिए। तो एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया, एक पार्ट आप इसको खुद तैयार करेंगे और लाजमी तौर पे तैयार करेंगे क्योंकि इससे अगला जो हमारा लेक्चर का पार्ट है वो बेसिकली केसेस हैं, उन केसेस के अंदर हमें इन फॉर्मूलाज को यूज करना ही पड़ेगा।
तो अगले लेक्चर से पहले पहले कोशिश करेंगे इसको अब आप खुद सॉल्व करें और इसका रिजल्ट ये फाइंड आउट आपने करना है। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अपना याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।